Hi friends, this is Monica Agarwal from Divine Center Part 2 of Spirituality. तो आज का जो वीडियो है हमारा आज के वीडियो में मैं कुछ कुछ शॉर्ट्स में अपना रेकी फर्स्ट डिग्री का क्लास कवर करने वाली हूँ और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं दो स्टूडेंट्स हैं जो अभी आने वाले हैं. जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन एंड वन टू वन क्लासेस होती हैं. हम पूरा क्लास तो नहीं कवर कर पाएंगे शूट कर पाएंगे क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है. क्लास में फिर डिस्टर्बेंसेस होती हैं लेकिन बीच बीच में जैसे हो सकता है मेडिटेशन या देखेंगे जैसे जैसे क्लास चलेगा तो मैं उसमें से जो जो चीज़ कवर कर पाती हूँ वो मैं कवर कर पाऊंगी ताकि आप लोग एक स्नैपशॉट या एक प्रीव्यू ले सकें. और डेफिनेटली मैं इस तरह से कवर करने की कोशिश करूंगी कि जो नॉलेज मैं इम्पार्ट कर रही हूँ उसका कुछ पार्ट आप लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें. तो इस वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखिएगा. मैं इन वीडियोज़ को कंबाइन करूंगी कुछ कुछ अलग अलग शॉर्ट्स में. एंड अगर आप लोग रेकी क्लासेस सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को पता है व्हाट्सएप पे आप मुझसे बुक करा सकते हैं 8826826749. और फिर चलिए मूव करते हैं अपनी क्लास की तरफ. So this is the training room which is ready for the class. Students are about to arrive. I normally take one to one class or maximum 2 to 3 students in one go. Everything is ready. The room is charged, energized with the spiritual candles, energized with the prosperity power. And here is the camphor lamp which is burning. Ye attunement chair hai hamara. So now we'll move to the actual class. ये बताओ रेकी दोनों ने कब कब सुना क्या क्या पता है रेकी के बारे में. व्हाट डू यू नो अबाउट द रेकी. यही यहाँ पे सुना था. फिर पढ़ा उसके बारे में कुछ जब सुना कब से लेके अब तक. में इतनी ताकत होती थी कि वो जो बोलते थे वो हो जाता था. ठीक है.
दैट इज व्हाट कॉल रेकी एंड हाउ इट कॉल रेकी नाउ एक्सप्लेन कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं RYKEE रे का मतलब होता है यूनिवर्सल हिंदी में अगर हम बोले तो ब्रह्मांड और की का मतलब होता है एनर्जी इंग्लिश में एनर्जी चाइना में ची बोलते हैं इसको और हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्जा मतलब कि प्राण ऊर्जा इंग्लिश में लाइफ फोर्स एनर्जी अब यहां से समझ में आ रहा है कि प्राण ऊर्जा मतलब जिस पे हम अलाइव हैं जिस एनर्जी पे हम जिंदा हैं एट नाइन्थ क्लास का साइंस याद है किसी को एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफॉर्म एंड हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो किस चीज से बना हुआ है फाइव एलिमेंट्स वेरी गुड कौन कौन से हैं फाइव एलिमेंट्स फायर ठीक है स्पेस ये साइंस की लैंग्वेज है आपको मैं कमरे में बंद कर दूं सब कुछ दूं खाना दूं पीना दूं लेकिन उसमें हवा की एक मतलब हवा की एक हल्की सी भी झोंका ना आ पाए आप कितने दिन जिंदा रहोगे कुछ दिन में भी कुछ महीने ठीक है ना लेकिन जब वो बॉडी से जाने लगेगा तो वीकनेस आने लगेगी क्योंकि हवा नहीं मिलेगी सेम वे कोई भी एक चीज बंद कर दो चाहे पानी बंद कर दो चाहे खाना बंद कर दो चाहे गर्मी बंद कर दो चाहे सर्दी बंद कर दो बॉडी हमारी शीन होती जाती है तो उससे हर तरह की एनर्जी जो यूनिवर्स ने बनाई है वो जरूरत है अब नाउ अब हम थोड़ा सा इसको रिवाइंड करें अपने अपनी लाइफ को लेट्स गो बैक टू द इरा ऑफ अवर ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर किसी ने अपने ग्रैंडफादर के साथ टाइम स्पेंड करा मुझे वो पूरी तरह से याद है और मेरे जो नाना जी थे वो तो 96 की एज में गए अभी 4 साल पहले तो उनके साथ तो मैंने बहुत ही स्पेंड करा है उन लोगों का एनर्जी लेवल कभी आप देखो मुझे याद है मैं 9th क्लास में थी और जहाँ हम रहते थे वहां से मेरी एक कजिन ताऊ जी थे जो बहुत क्लोज थे उनका घर था करीब करीब 4 किलोमीटर के आसपास होगा वो पैदल जाते थे हम कहते थे रिक्शा चाहिए था ना तुम लोगों के बच्चों को तो एज में चलना चाहिए पैदल चलो और वो चलते थे और मैं भागती थी उनके साथ जबकि कंसिडरेबली मेरे को भी कई लोग कहते हैं कि आप बहुत एक्टिवली रहते हो आप बहुत एक्टिव काम करते हो बट मैं अगर उनकी एनर्जी की बात और हम हाफ जाते थे वो हाफते नहीं थे उस एज में 70+ उनका एज था उस समय तो सोचो उनका एनर्जी लेवल क्या था दूध पीते थे इतना बड़ा गिलास घी खाते थे देसी घी भर के अभी हम इतना देसी घी खा रहे तो पदजमी हो जाएगी बिकॉज आई रिमेम्बर हम चित्रकूट घूमने गए थे तो हमने क्या करा था ब्रेकफास्ट स्किप करा लंच स्किप करा टू हैव दैट प्योर मिल्क ऑफ भैंस एंड गाय का ना जो वहां पे DRI के इंस्टीट्यूट में मिलता है उसने पूरा निकाल के दिया था तो क्योंकि वो हमें आदत नहीं है यहाँ पे पानी वानी सब मिलाकर स्टरलाइज्ड होते सब कुछ वैसा मिलता है तो वो जो एनर्जी लेवल था उनका वो इसलिए था क्योंकि उस समय यूनिवर्स क्लीन था पॉल्यूशन फ्री था अर्थ का जियोपेटिक स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा था और जो हमारा रूट चक्र होता है जो हमारा बेस चक्र होता है जो हमारे बेस में होता है वो हमारी अर्थ एनर्जी से कनेक्टेड है क्यों क्योंकि हम भी ह्यूमन में हम एक ह्यूमन बॉडी में है कितना भी स्पिरिचुअल हो जाएंगे बट हम इस फैक्ट को नहीं डिनाई कर सकते कि जब तक हम इस बॉडी में हैं वी हैव टू रिस्पेक्ट द बॉडी एंड वी नीड द एनर्जीज ऑफ अर्थ एंड वी नीड द एनर्जीज ऑफ मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट आल्सो वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट अंटिल कि आप उस स्टेज पे पहुंच जा रहे हो जहां पे समाधि ले रहे हो और आप पूरी वो भी आज के टाइम में तो आई डाउट लोग प्रमोट बहुत करते हैं बट आई डाउट कि कोई उस स्टेज पे होगा ठीक है तो अब उस टाइम पे ये सारी नेचुरली मिलती थी जॉइंट फैमिलीज होती थी कोई प्रॉब्लम तब भी आती थी शायद अभी जो आ रही है उससे बड़ी बड़ी आती होंगी लेकिन सब एक बैठक बनाई बैठा सॉल्व कर लिया
अरेंज मैरिज हो रही है, चाहे कितना ही प्रॉब्लम हो रहा, चाहे कह दो कि औरतें सफर करती थी या जेंट्स सफर करते थे, मगर फिर भी शादियां निभ जाती है। आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली दो लोग ही नहीं निभा पाते अपने अपने आप, लव मैरिज कर रखती है तब भी नहीं निभा पाते। क्यों? क्योंकि एनर्जी की कमी है। ये नहीं कि उनमें से कोई इंसान खराब है या उनमें से कोई इंसान अच्छा है, एनर्जी की कमी है। और एनर्जी की कमी क्या करेगी? पेशेंस, पेशेंस बिल्कुल इतना कम हो गया है कि हम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, उसका दूसरा पर्सपेक्टिव सुनने को तैयार नहीं है। मुझे कैसे कह दिया, सीधा सेल्फ एस्टीम सेल्फ ईगो पे लेके जाएंगे। तो निभाने के तो सोचते ही, और बहुत आसान हो गया डिवोर्स होना तो आजकल, ठीक है। मतलब जितना जितना मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रही है और जितना जितना जियोपैथिक स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, उतना हमारा पेशेंस लेवल कम हो रहा है, एनर्जी लेवल कम हो रहा है, और उतना हमारे रिश्तों पे वो असर पड़ रहा है। अब ये चक्र क्यों हो गया? फूड हमारा कंटामिनेटेड है, वाटर हमारा कंटामिनेटेड है, एयर हमारी कंटामिनेटेड है, पेड़ वेड़ काट कूट के सब बैठ गए हम लोग, ठीक है। मतलब मशीनें तो बनानी है बड़ी बड़ी बर्तन साफ करने की भी और उसकी भी, लेकिन पॉल्यूशन के लिए सारा कुछ हो गया गंदगी। मुंबई की बीचेस में जाओ, लोग वहां पर जाने के लिए तरसते थे, आज की तारीख में ना शक्ल देखने का मन नहीं करता है। मैं गई थी वहां पर, तो हमसे मुश्किल से अलीबाग के एक बीच मिली थी जो ढंग की थी थोड़ी सी, ऐसे लोगों ने गंदगी कर रखी है। तो जो हमारी मदर अर्थ है उसके साथ तो हम पूरा मतलब पूरा फॉर्मेलिटी लेके उसको पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, तो वो हमको एनर्जीज कहाँ से देगी? जैसा हम उसको देंगे वही चीज हमको रिवर्ट करके मिलेगी ना। तो अब ये सारी चीज कंटामिनेटेड है, तो जहाँ आपको 100% एनर्जी की जरूरत है अपने जिंदगी को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छे फाइनेंस के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे सब चीजों के लिए, अच्छे रिलेशन के लिए, वो एनर्जी ऑलमोस्ट हमारी 30% 40% अगर लाइफ स्टाइल हमारा चीज है, लाइफ स्टाइल अगर बिल्कुल वैसा है कि भाई फास्ट फूड खा रहे हैं और जो एल्कोहल ले रहे हो, नॉन वेज ले रहे हो बहुत सारा, ये टुवर्ड्स दैट एरिया अगर आपको, तो माइनस में जाता है। एनर्जी कम होगी, पेशेंस कम होगी, घर वालों से कम बनेगी, तो बाहर प्यार नहीं मिलेंगे। बाहर भी तो वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं से आए हैं, वहां भी धोखा खाओगी, फिर उससे और स्ट्रेस बढ़ेगा, ऊपर से कंपटीशन का स्ट्रेस, कॉर्पोरेट का स्ट्रेस, पॉलिटिक्स का स्ट्रेस, तो आप उस चक्रव्यूह में फंस गए, कहां से निकलो? स्ट्रेस से बचने के लिए जिस चीज के पास जा रहे हो वो आपको फर्दर स्ट्रेस दे रहा है, थोड़े टाइम के लिए आपको स्ट्रेस फ्री कर रहा है, लेकिन वो डबल स्ट्रेस दे के जा रहा है। और स्ट्रेस के लिए एनर्जी है ही नहीं उससे बचने के लिए, तो इस चक्रव्यूह से निकले तो कैसे निकले? उसका एक सबसे आसान तरीका है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ये फैक्ट है कि वो फुल ऑफ एनर्जी है। अगर हमें वो एनर्जी एक्सेस करना आ जाए तो हम उस गैप को भरना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे वो गैप भरेगा हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में आएंगे, और जब वो गैप इंक्रीज होने लगेगा तो जिसको कहते हैं ना मिराकल हो गया, रेकी ने मिराकल कर दिया, मेरा काम कर दिया। रेकी ने एज सच कुछ मिराकल नहीं करा, आपने खुद ही करा, आपके कर्मों की वजह से वो चीज प्रॉब्लम आ रही थी और आपने ही अपनी एनर्जी को पूरा ठीक करा, कर्म ठीक करे तो वो ऑटोमेटिकली होती है। किसी का माइनर ब्लॉकेजेस होता है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। किसी का मेजर ब्लॉकेजेस होता था, महीना दो महीना कई बार लग जाता है, कई बार फाइनेंसेस में एक एक महीने में रिजल्ट मिलते हैं, बस एक एक साल लग जाता है। सो विद रेकी, रेकी हैज टू बी अ वे ऑफ लाइफ, इट डज नॉट बी टेकन एज अ रेमेडी थी। तो जैसे हम योगा अपनाए, नहाते हैं तो हम रोज नहाते हैं, ये भी ना कि एक दिन नहाकर चलो नेक्स्ट थोड़ी नहाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, होली दिवाली भी नहाते हैं, डस्टिंग कर लेते हैं, होली पे तो अगर रंग वंग लग जाए तो मजबूरी हो जाती है। तो ये जो एनर्जी है इसको जब भी रेकी को आप कभी करते हो, रेकी ठीक है, रेकी इज अ रेमेडी ऑफ सो मेनी थिंग्स, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ एनर्जी की कमी से आ रही है। लेकिन रेकी शुड नॉट बी टेकन एज अ मेयर रेमेडी, बिकॉज व्हेन यू डू इट एज अ मेयर रेमेडी विदाउट इंटरेस्ट इन इट एंड विदाउट यू नो वांटिंग टू डू समथिंग गुड टू योरसेल्फ, देन यू एंड अप इन गेटिंग बोर्ड, एंड मुझे तो रिजल्ट भी नहीं ना, क्योंकि आपका फोकस ये है कि भाई मेरी शादी इस बंदे से नहीं हो रही, मेरी शादी इस बंदे से हो जाए, मैं रेकी दे दूं रिलेशनशिप को,
आपने ये नहीं देखा कि उसके साथ साथ हो सकता है आपके हेल्थ में सुधार आ रहा है, आपके स्टेमिना में सुधार आ रहा है, मे बी आपके और भी एरिया है उसमें सुधार आ रहा है। पहले वो रूट कॉज को हटाएगी तभी तो वो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेगी ना। बीमारी का जो रूट कॉज है अगर उसको जड़ से नहीं वो मिटाएगी, और रेकी रास्ते निकालती है। ये नहीं कि रेकी आपने भेजना शुरू कर दी और आप सोचो जी मुझे मोटरसाइकिल चाहिए और मैं रेकी भेज दी, मुझे एक साल में मोटरसाइकिल चाहिए तो उसके लिए मुझे पर्स ना करूँ, घर बैठ जाऊंगी छप्पर फाड़ के मोटरसाइकिल आ जाएगी। आते थे ऐसी भी चीजें आती थी, लेकिन वो जमाने में आती थी जब ऋषि मुनि होते थे, बेटा भूख लगी है थाली आ गई। व्हाट इज दैट? दैट इज एनर्जी। एंड यू नो मैं एक ऐसे इंसान से मिली थी लाइफ में जो एक बहुत मतलब मिली नहीं थी, इनफैक्ट मेरे जानने में कोई मिले थे लेकिन उनसे मैंने फोन पे बात करी थी। उन्होंने उनको सामने बैठे बैठे रुद्राक्ष दिया असली, और एक मुखी रुद्राक्ष तो मिलता नहीं है, और वो जो एनर्जी से जनरेट करके उन्होंने दिया ना वो कुछ अलग ही चीज थी, वो मैंने तो आज तक नहीं देखी। वो बंदा ना तो वो एडवर्टाइज करता था ना वो प्रोफेशनली करता था, उसकी कुछ एनर्जी लेवल था, वो उसने कुछ करा हुआ था। मुझे बेसिकली जो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना फिर वो इन सब चीजों में एडवर्टाइजमेंट या उसमें आते हैं, दे डोंट कम टू नहीं वो ही वाज नॉट इनटू दैट प्रोफेशन, ही वाज अ सिंपल मैन एज एन इंजीनियर। नहीं इट्स लाइक नॉट प्रोफेशन और सब, उसने मतलब एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया था, तो मतलब मैंने वो एक्सपीरियंस भी देखा हुआ है। तो ये होता है एनर्जी लेवल। तो अब ये नहीं है कि रेकी करने से आप रुद्राक्ष या हीरे मोती कुछ पैदा करने लगोगे, लेकिन ऐसी एनर्जी हो गई तो हार्ट उसको सॉल्व कर लिया तो वो हीरे मोती है ना आपके लिए। अगर आपने अपनी एनर्जी लेवल बढ़ा लिया तो वो हीरे मोती है ना आपके लिए। तो ये जो है रेकी, अब इसमें यूनिवर्स से हम एनर्जी कितने तरीकों से ले सकते हैं, मेडिटेशन भी होता है, योगा भी होता है, बहुत चीजें होती है और भी हीलिंग टेक्निक्स है। बट क्या होता है कि मेडिटेशन में जब आप एनर्जी कब गेन करना शुरू करते हो, जब आप थॉटलेस फॉर्म में पहुंचते हो, उसमें लोगों को पहुंचने में कई महीने लग जाते हैं, और उसमें भी एक घंटे में आप 5 मिनट अगर मेडिटेट फॉर्म में हो तो उस समय आप एनर्जी ले रहे हो। अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है ये हो रहा है वो रहा है तो आप उस समय एनर्जी नहीं ले रहे हो, उस समय आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हो। सो रेकी इज द सिंपलेस्ट फॉर्म विच इज बीइंग रीइन्वेंटेड बाय डॉक्टर मेकाउलू सई, हु वाज अ रेकी गुरु, उनको हम रेकी गुरु मानते हैं। उनका बर्थडे भी 15 अगस्त को होता है 1947 या कुछ किसमें हुआ था ये लिखा हुआ है, तो लेकिन 15 अगस्त को उनका बर्थडे होता है और उन्होंने ये इन्वेंट करी थी, तो उसके पीछे का एक पूरा स्टोरी है। हाँ तो अब हम मेडिटेशन में जाएंगे। अटूनमेंट से पहले बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। मेडिटेशन का तरीका मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पहले ओम चैंटिंग, मैंने ओम चैंटिंग करके बताया हुआ है कि कैसे ओम चैंटिंग करनी है, और उसके बाद अपना साइलेंट होकर बैठना है, साफ सुथरे ध्यान रखना है। जब मैं आपको टैप करूँगी आप अटूनमेंट में आओगे, फिर जब आप चल जाओगे तो फिर बोलिए आइज क्लोज। अब आइज तभी खुलेंगे जब मैं बोलूँगी, ठीक है? आराम से बैठ जाओ जैसे बैठना है आपको, अगर ऊपर बैठना है तो ऊपर बैठ जाओ, सीधा बैठना है तो सीधा बैठ जाओ। मैं टैप करूंगी आज अपने चलो आइस क्लोज। अब हम चैटिंग स्टार्ट। एक गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। Oh.
अपने हैंड्स लैप पे ओपन पोजीशन पे रखने हैं, हथेलियां आसमान की ओर, और सारा ध्यान अपनी सांसों पे बना के रखना है। केवल अपनी स्वाभाविक सांसों पे अपना ध्यान बनाना है, ना तो सांस लेनी है खुद से और ना ही सांस छोड़नी है। अपनी स्वाभाविक सांसों पे अपना ध्यान बना के रखना है। मन है विचलित होगा, स्वाभाविक है कि इधर उधर दौड़ेगा, हर तरह के विचार आ सकते हैं। जिस पल आपको ये आभास होगा कि मन इधर उधर दौड़ रहा है, उसी पल उसको वापस खींचकर अपनी स्वाभाविक सांसों पे लेके आना है। जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी सांसों पे बनता जाएगा, वैसे वैसे आप एकदम शांत और शांत और शांत महसूस करेंगे। पूरी तरह से विजुलाइज करेंगे कि आपका ऑरा व्हाइट लाइट से फिल्ड है। आपके आसपास जो भी आपके एंजल्स हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, उन सबका ध्यान करना है। जिस भी भगवान देवी देवताओं को आप मानते हो, उनका ध्यान करना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आप रेकी फर्स्ट डिग्री का अटूनमेंट लेने के लिए तैयार हो, रिसीव करने के लिए, और वो आपके साथ रहे। ध्यान अपना सांसों पे बना के रखना है। आप अपना ध्यान पूरा सांसों पे बना के रखते हैं। जस्ट पॉकेट के आप कहाँ बैठे हो, सिर्फ सांसों पे ध्यान बना के रखिए। आप आइस क्लोज कर दीजिए। पूरा ध्यान केवल आपकी सांसों पे। Thank you.